हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपको बहुत इजी मैथ लग रहा है। तो स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो नाइन्थ क्लास की बुक जो चेंज हो चुकी है, ये जो बुक आपको अब लगी है आईसीएसई बोर्ड में नाइन्थ क्लास की, वो एवरग्रीन वालों की है, ठीक है, पब्लिकेशन की, और बाय संजीव बब्बर, ठीक है। तो ये बुक जो है इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी नाइन्थ की स्टडी जो है अच्छे से करें। नाउ स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 जो है फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज आपकी डिमांड पे 4.5 जो है वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हुए हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है। फटाफट से आपने एक दो सम समझना है, देखना अपने आप सभी कर लोगे। नाउ स्टूडेंट, लास्ट वीडियो तक हम 4.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम जो है वो कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम जो है 6 वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सम है वो हमने देखना है किस तरह से अरेंज उनको करें, ठीक है। ये टर्म्स जो दी हुई है इनको रीअरेंज करके फिर फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। थोड़ा सा ब्रेन आपने यूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला किस सम में लगेगा और किस तरह से हम उसको रीअरेंज, ये जो टर्म्स है उसको कर सकते हैं और फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। कुछ टर्म को तोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ करोगे प्रैक्टिस तो ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, वेरी गुड। और स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, तभी जो सभी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, ठीक है। जब आप लाइक करोगे तो वो भी जो है अच्छे से सीख पाएंगे मैथ्स और बेनिफिट ले सकेंगे हमारे चैनल से और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे, इजीली समझ सकेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हम फोर्थ चैप्टर की 4.5 एक्सरसाइज जो है इसके लास्ट वीडियो तक फर्स्ट 5 सम जो है वो कर चुके हैं, आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर तो आपने फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हुए हैं जो कि थर्ड चैप्टर में भी थे, ठीक है, फिर तो आपको ये सम बहुत इजी लगने वाले हैं। लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं लर्न किए तो आपको ये सम जो है इजी नहीं लगेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले जो है वो अच्छे से लर्न करो। तो स्टूडेंट, ये वाले जो फॉर्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों जो हैं इस एक्सरसाइज में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नाउ स्टूडेंट, 6 का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखो, यहाँ पे 9x स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला जो है पूरा, अगर इसको हम माइनस कॉमन निकाल दें बाहर तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है ना, लग सकता है ना, कौन सा सोचो जरा, ब्रेन पे जोर दो थोड़ा सा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? ये देखो, ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है और बीच में 2ab बनाए। जरा देखिए, सबसे पहले ये 9x स्क्वायर, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, पहले इस तरह बना लेते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे 2a की पावर 2 लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को, है ना। तो y को हम लिख सकते हैं y की पावर 2, है ना, बीच में माइनस 2 इंटू ए, ए कौन है 2a, इंटू बी, बी कौन है y। तो ये देखो 2 2 4 a 5 बन गया ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कौन है यहाँ पे? 2a, और b कौन है? y, माइनस का, क्योंकि माइनस है बीच में तो माइनस वाला आएगा, 2a माइनस y का होल स्क्वायर। अब इस तरह भी स्क्वायर बन सकता है, कैसे? ये देखो 9 जो है 3 का, 3 को 2 टाइम करो तो 9 होता है, और x तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर बना दिया। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि देखो ये वाले जो सम है ना स्टूडेंट, अब आएंगे आपको 2 2 टाइम्स यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। एक तो यहाँ लग गया ये माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर बन रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है ना, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ठीक है, एक बार दोनों को ऐड करके लिख दिया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
माइनस जब लिखेंगे तो ये साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। ठीक है, अच्छे से लिख के देखो। अब अगर आप आंसर देखोगे ना बुक पे, कई बार कोई जो टर्म्स है वो आगे पीछे उसने लिखी होंगी, जैसे इस सम में उसने आंसर में 3x माइनस वाई और प्लस 2a ऐसे लिखा होगा, तो ये नहीं है कि यही ठीक है, जैसे हमने लिखा है वैसे नहीं ठीक होगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट। यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली दोनों में बी प्लस सी सेम है, कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, वन ब्रैकेट हमने बाहर निकाल ली, यहाँ तो था ही वन टाइम बाहर आ गया, तो यहाँ ए स्क्वायर ही बचा अकेला। यहाँ पे थ्री टाइम्स था तो वन टाइम बाहर आ गई ब्रैकेट, एक और दो अंदर रह गई। अब यहाँ पे फिर से लग जाएगा ना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे ही लगा लिया। कैसे करना है, ए तो बाहर है, ठीक है, अंदर आ गया ए प्लस बी, ए कौन है ए, ठीक है, ये ऐसे होल स्क्वायर बन गया ना इसका, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, अब ये वाला लिखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट जो है, अब मैंने पहले ही आपको बोला था कि हर एक पार्ट जो है डिफरेंट है, कोई ना कोई अलग मेथड से, जैसे आपने देखना है कि कौन सा मेथड लगाए, कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, उस तरह से क्वेश्चन को बनाए। ठीक है, आंसर उसका उस तरह से लिखे। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट दो में बनी हुई है, ये तो बनी नहीं, फैक्टर नहीं बने हुए ना, फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आती है ना, एट में सीखी हुई है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है, सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, पहले वन को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब वन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही आएगा, है ना, सेम ही आने वाला है ना ये वाली ब्रैकेट, वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को जब अंदर लेके जाओगे तो ये यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला प्लस फोर एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि अब यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोस्टली फॉर्मूला इन सम्स में, जहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूले लगने हैं ना। तो अब यहाँ पे हम कैसे बनाएं, ये फोर तो आ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, फोर एक्स वाई को थोड़ा सा यहाँ पे आपने ब्रेन यूज करना है, दो बार फॉर्मूला लगेगा, तो इसको हम क्यों ना टू एक्स वाई लिख लें। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, देखो वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से ये फोर ही रहे ना, टू टू फोर एक्स वाई। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक वाई की टर्म के साथ और एक एक्स के साथ ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए जरा कैसे, अब अगर हम ये वन, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई टू के साथ, इसको एक ब्रैकेट में ले लें। ठीक है, कैसे, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रखें। अब बाकी क्या बचा, उसको दूसरी ब्रैकेट में, यहाँ पे बचेगा ना ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टू एक्स वाई। तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का टू एक्स वाई बच जाएगा। क्यों माइनस का बचा, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे तो दोनों के साथ माइनस था तो वो प्लस के बन गए, अब ये प्लस वाला था, ये कौन सा बन जाएगा, माइनस का। ठीक है, नाउ यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, कैसे, ये बना वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये एक्स वाई का स्क्वायर और ये टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये बन गया ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है यहाँ पे, वन, और बी कौन है, एक्स वाई, ये बन गया एक तरफ। अब दूसरी तरफ भी वैसे ही सेम। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर, ये लिख बना ही हुआ है, इसको सीधे लिख दो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ऐसे ही एक्स माइनस वाई का होल
स्क्वायर है, ठीक है। नाउ देखो अब ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों तरफ स्क्वायर है, फोर स्क्वायर बने हुए ना, तो बीच में साइन माइनस का है। फिर अगेन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पे ए है और जो बी है उनको एक बार आपने प्लस करके लिख देना है और एक बार माइनस करके। जब प्लस करके लिखोगे तो ये वैसे ही रहेगा जैसे है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब आपने प्लस किया। लेकिन जब माइनस करोगे तो, माइनस करोगे तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं चेंज होगा, लेकिन जब ये वाला ही, इसके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, क्लियर है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, फिर देखो आपको कितना इजी लगता है इंसान, ठीक है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेवंथ सम देखो, यहाँ पे ये पावर फोर आप देख रहे हो ना, इतने यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, एक्स का और वाई का, ठीक है। अब ये जो नंबर है यहाँ पे, इनको आपने देखना है कि ये किसके स्क्वायर बन सकते हैं, यानी कि किनको टू टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए 81। तो ये तो हमें पता ही है, 9 9 81 होता है, इसको एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये बन गया होल स्क्वायर, बन गया ना यही, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का। बेटा जो स्क्वायर क्यूब्स है ना, ये 20 तक आप लर्न कर रखो, ठीक है, फिर आपको इजी लगेगा मैथ। नाउ यहाँ पे भी ऐसे ये बन गया ये स्क्वायर भी स्क्वायर, तो अब तो इजी है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, वही जो अभी हमने ऊपर किया, यहाँ किया ना ये वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। जो भी हमारे पास आया उसको 9x² प्लस 16y² वन टाइम ऐड करके लिख लिया और वन टाइम सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब जो प्लस करके लिखा वो, उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा, लेकिन माइनस वाले में फिर से बन रहा है, देखो कैसे। ये जो सम है फोर पावर वाले, इनके टू टाइम लगेंगे ही लगेंगे फॉर्मूले, क्योंकि जब भी आप ऐसे लिखोगे तो स्क्वायर बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पे 9x² प्लस 16y² अलग से लिख लिया और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे 3x की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और इस 4y की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये बड़ी ब्रैकेट डाल लो, जब हम छोटी ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो उसके बाहर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। नाउ ये ऐसे ही आ जाएगा 9x² प्लस 16y² और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो क्या आएगा, 3x + 4y और 3x - 4y, ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर है स्टूडेंट। इजी है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो, बहुत इजी सम है, अब सिर्फ थोड़ा सा आपने ब्रेन यूज करना है अपना, ठीक है, और सम आपका निकल आना है फटाफट से। अब आंसर में बैक पे आपके ब्रैकेट्स आगे पीछे दी हो सकती है, आंसर सेम ही होगा, ठीक है। नाउ इसका सेकंड सम जो है, सेकंड पार्ट 7 का, वहां पे आपने ये 9x², ये तो बन गया 3x² ठीक है। तो ये वाला जो है 2 × ये 4 का 2 बन गया ना, यहाँ तो पावर 2 है ही है ऑलरेडी, तो इसकी होल पावर बना ली। अब a² b² ये पूरा a 3x और ये पूरी ब्रैकेट जो है b, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये बन गया 2y, ये 2 × 4x, इस तरफ ये ऐसे ही, ये 2y माइनस का, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये याद रखना, 2 × 4x, ठीक है, माइनस का 4x। नाउ यहाँ पे x x वाले टू टर्म्स हैं, 3x और 4x ऐड हो गए दोनों, 7x बन गया और ये 2y साथ में, यहाँ पे 4x सब्ट्रैक्ट करने से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 4 बड़ा है तो उसका साइन आंसर में आएगा, 1x बचेगा ना माइनस का, ठीक है, और ये माइनस 2y, दोनों में माइनस माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, क्योंकि यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपके बुक पे कई बच्चे फिर मैसेज करते हैं बैग पे ऐसे आंसर्स हैं, तो हमने उसी अकॉर्डिंग किया है, ये माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ प्लस के बन गए अंदर माइनस बाहर, तो ये आ गया आंसर। अब सबके साथ इक्वल टू का साइन जो है हर एक स्टेप में लगाया करो, ठीक है। नाउ 7th का थर्ड पार्ट जो है वो देखो, यहाँ पे y की पावर 12, ठीक है, और x की पावर 4, यहाँ y की पावर 4 x की पावर 12।
अभी अगर हम कॉमन निकालें तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ पहले, ठीक है। यानी कि दोनों के पास x की पावर 4 और y की पावर तो एटलीस्ट है ही ना, ठीक है। जब भी हमने कॉमन निकालना होता है ना, तो सबसे जो कम पावर होती है दोनों में से वो कॉमन निकालते हैं, ठीक है। जैसे 4 4 दोनों में है तो वो बाहर निकाल ली। अब अंदर ये 4 और ये 12 यहाँ था, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए, कितने बच गए हैं 8, 8 और 4 12 होते हैं ना, ठीक है। तो ये बन गया, ये बाहर कॉमन निकाल ले तो अंदर बच गया x की पावर 8 और y की पावर 8 और यहाँ पे x की पावर 8, ठीक है। नाउ x, अभी तो हमने बोला था ना कि 4 पावर हो तो 2 टाइम्स जो फॉर्मूला लगेगा, तो अब पावर 8 बन गई तो इट मींस अभी 3 टाइम फॉर्मूला लगने वाला है ना। पहले बनेगा यहाँ पे 4 की पावर 2, यहाँ भी ऐसे ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा है ना, अगेन कैसे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे ये तो ऐसे ऊपर कॉमन निकल रहा था है ना, ये फर्स्ट ए प्लस बी और ये माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये अगेन ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इस तरह से ये आ गया हमारा आंसर, लिख के देखो, करके देखो साथ साथ, फिर ही प्रैक्टिस होगी इस तरह से, ठीक है। ऐसे अगर कहोगे कि एक बार ही आप देख लोगे और फटाफट से एग्जाम में अकेला निकालोगे शाम, तो नहीं आने वाले, ठीक है। प्रैक्टिस करो साथ साथ, लिख के देखो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, 8 सम का फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने सोचना है कि इसको किस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये a की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं, ये तो सीधे लिख लिया, ठीक है। नाउ ये जो है लास्ट पे थी, ये बन सकता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे अब बनाओ, कैसे बनाओगे। अब तीनों में से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये 1 प्लस का हो गया, बी भी प्लस का हो गया और ये 2 जो है वो माइनस का, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनाएंगे देखो जरा, ठीक है। अंदर 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की 2 की पावर 2, ठीक है। माइनस 2 इंटू 1 ए यानी कि, और ये बी, बी मीन्स बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर की पावर 2 और ये बन गया हमारे पास 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे पावर 2, है ना, क्योंकि ये ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस के पे बी की पावर 2, ठीक है। ये होल पावर आ गई, तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार इसको प्लस करके लिख लोगे, ठीक है। 1 प्लस जब करोगे तो ये सेम ही लिखोगे, लेकिन जब भी माइनस करके लिखोगे तो इसका साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने बैग पे जो बुक की है, आंसर की है, वहां पे चेक कर लो, अगर ऐसी है तो ये ऐसी रहने दो, चेंज है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी को इकट्ठे और ए 1 को लास्ट में, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। नाउ स्टूडेंट सेकंड बार देखो, एट का यहाँ पे पहले ब्रैकेट खोल लो, 2 को अंदर ले जाओ, ठीक है, बाकी तो सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 3 टर्म्स अलग कर लो ताकि हमारे पास स्क्वायर बन सके। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक ब्रैकेट में रख लिया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 2xy को एक ब्रैकेट में, लेकिन जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे ये दोनों ऐड के हो गए और ये सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट दोनों को ऐड करके लिख देना और दूसरी बार माइनस करके ए प्लस बी माइनस ये वाली ब्रैकेट जब लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा वाई का और एक्स का, ठीक है। ये आ गया आंसर। नाउ स्टूडेंट थोड़ा सा तो ब्रेन आपको यूज करना ही पड़ेगा भाई, इन सवालों में ऐसे ये सम नहीं निकलने वाले,
प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, ठीक है। मेन इसमें यही आपने देखना है कि किस तरह से हम ब्रैकेट करें, यानी कि रीअरेंज कैसे करें टर्म्स को, ठीक है। रीअरेंज कैसे करें कि हमारा आंसर जो है वो फॉर्मूले में बन जाए, ठीक है, और इजीली सम हो पाए। तो यहाँ पे 4x2, ये देखो अब x वाले अगर हम एक साइड रखने की कोशिश करें कि एक ब्रैकेट में, और y वाले एक जगह, z उसके साथ, y के साथ, यहाँ पे z है ना, इट मीन ये y के साथ आएगा, a के साथ x है, मीन ये x के साथ आएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर बना लिया और b स्क्वायर बनाया, फिर बीच में तो 2ab लगेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे यही बनेगा, 2 × 4 = 12 और साथ में है इस तरफ, इसको ये तो बना ही हुआ है ऑलरेडी, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी का यानी कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया 2x - 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस है ना यहाँ पे 2 के साथ, तो फिर तो माइनस का ही फॉर्मूला लगेगा ना, वो बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे जब माइनस लगाओगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 9th का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपने सम करना है, आप कोई भी है, इस तरह से तो फॉर्मूला बनने नहीं वाला है, ठीक है। तो आपने सोचना है कि कैसे हम फॉर्मूला बनाए, तो यहाँ पे आपने इन दोनों को, ठीक है, ऐसे रख लिया। अब ये अगर तो 2 होता है यहाँ पे, फिर तो इजीली बन जाता है ना, तो 2 लगा लेते हैं, कैसे, 2a² b², ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं ना लगा सकते, अगर एक हमने ऐड किया है तो एक सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब देखो वही बच गया ना, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यही बचा, कुछ भी हमने नहीं किया, सेम रहने दिया, सिर्फ थोड़ा सा इसको लिखने में चेंज किया है ना, तो ये तो अब बन सकता है ना यहाँ पे होल स्क्वायर, है ना। तो इस तरफ तो स्क्वायर पहले से बन गए, तो ये कैसे लिखेंगे, a की पावर 2, ठीक है, होल पावर, और b की पावर 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। और दूसरी तरफ a b की पावर 2, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये याद रखना, जो अंदर है ना ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर, वही a है हमारे पास और ये b, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, ये बन गया a स्क्वायर a प्लस b, और दूसरी ब्रैकेट में a, a कौन है, ये पूरी ब्रैकेट, ठीक है, माइनस b, इस तरह से, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 9th सम का सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे देखो इसको किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो, कैसे करेंगे। अब ये जो 4x² है, इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, x² + 3x², है ना, ये 4 ही बन गए ना, 3 और ये 1, 4x² बन गया अब हमारे पास, इसको तोड़ दिया 4x² को ये, ठीक है। अब इनको रीअरेंज कर लो कैसे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, ठीक है, और इन दोनों में से लिखे ये इस तरह से हमने, ठीक है, अब अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही फर्स्ट 2 में से कॉमन और सेकंड 2 में से, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, x², यहाँ पे 2 तो बाहर है तो 2 ही बच गए, और ये पूरे का पूरा ही बाहर है तो यहाँ 1 बच गया, इस तरफ 3 कॉमन और ये बन गया x² + 1। अब देखो यहाँ पे सेम ब्रैकेट बन गई ना, सेम ब्रैकेट बन गई, तो इसको बाहर निकाल लो, यहाँ से भी बाहर और यहाँ से भी बाहर, इस तरफ बच गया x², पर ये बच गया 3, एक ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 9th का थर्ड पार्ट जो है, वहां पे देखो ये जो 9x² y² है, ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं अब, ठीक है। अब ये याद रखना है आपने किस सम में आपने कैसे टर्म्स को तोड़ा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए, 9 ही बचना प्लस का, है ना, 18x² y² में से 9x² y² अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही बचेगा, है ना, तो यही बचेगा, मींस क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा क्या, x
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बना लो, ए कौन बना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी कौन बना 81, 9 को कर सकते हैं हम, है ना, 9y स्क्वायर, ये बी बन गया, 2 into a into b, देखो ऊपर वाला ही बन गया सेम 18। नाउ इस तरफ ये 9x स्क्वायर y स्क्वायर, ये तो एक, नाउ यहाँ पे बन गए ना दोनों तरफ a² - b² तो अब a प्लस बी दोनों को ऐड करके लिख लिया और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया, ये आ गया आंसर, क्लियर। नाउ स्टूडेंट 10th सम देखो, 10th का फर्स्ट सम, तो स्टूडेंट बुक कॉपी जरूर अपने सामने रखो, ठीक है, साथ साथ स्टेटमेंट देखो वहां पे, लिखो कॉपी पेन लेके, ठीक है, प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी a माइनस बी का। कैसे लगाओगे, पहले a, a कौन है, x प्लस y प्लस z, ठीक है, प्लस b, जब b वाली टर्म लिखेंगे तो पूरे ही इसी तरह से उतार लोगे, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस बी हो गया, अब क्या लिखेंगे, a माइनस बी, a कौन है, x प्लस y प्लस z माइनस b, और b कौन है, ये जब माइनस करोगे तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, x माइनस का हो गया, ठीक है, इस तरफ, और y प्लस का, और z जो है वो प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में से 4 जो है वो कॉमन निकल रहा है, ठीक है, प्लस 4 अंदर बचा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कट रहा है सेम सेम जिसका साइन चेंज हो, तो ये y प्लस का और ये y माइनस का, ये z प्लस का और ये z माइनस का, इस तरफ यहाँ पे x प्लस का x माइनस का, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास कितना x और x, कितने x हो गए 2x, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे 2y 2z, 2y + 2z, है ना, और यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, क्या आएगा, ये प्लस 4 into y + z, a प्लस b हो गया और y - z, ठीक है, a माइनस b। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट दोनों में से ये 2 कॉमन निकला है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 2 4, 4x आ गया और ब्रैकेट y + z, दूसरी तरफ प्लस 4y + z into y - z। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये y + z दोनों में है, और क्या कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो 4 into y + z जो है वो कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा x और इधर प्लस y - z, क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर, है ना। नाउ स्टूडेंट 10th का सेकंड सम जो है थोड़ा सा केयरफुली करना है, थोड़ा सा लेंथी सम है, ठीक है, लेकिन अच्छे से करोगे तो आपको इजी लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो खोलनी है, तो ब्रैकेट खोलनी तो आती है आपको, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट। तो पहले 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 4y स्क्वायर, ठीक है, अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो साइन चेंज हो गया, ये याद रखना, यहाँ पे आ गया 4x² माइनस का और यहाँ पे प्लस का x² y², ठीक है, ये 16xy, इसी तरह से। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे आपने रीअरेंज करने हैं टर्म्स, देखना है कि किसको किसके साथ लिखेंगे हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये पहले x² y², ठीक है, प्लस वाला, फिर 4x² और यहाँ से ये 16xy जो है वो लिख लिया, ये जो है लास्ट पे लिख लिया 4y² + 16, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम ये 16 जो है xy, जैसे पिछले सम में किया था ना हमने तोड़ के, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे 9 को हमने 18 - 9 लिखा था, है ना, 9th का थर्ड पार्ट, तो उसी तरह से यहाँ पे 16 जो है इसको हम 8xy लिख सकते हैं ना, 16 ही बन गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी फॉर्मूला बन जाना था और यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको तोड़ा। अब यहाँ पे तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे, ये ए ये बी, 16, 4 को 2 टाइम 16 होता है ना, 2 into a into b, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ ऐसे ही सेम, ये a ये b, जब माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये ए ये बी, इसको करके देखो, ये ऊपर वाला ही बनेगा, मल्टीप्लाई करके देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, ठीक है, टू टू जा फोर टू जा एट एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि साइन कॉमन निकला हुआ है ना इसलिए चेंज है, तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से लिख लिया, ठीक है, चाहे यहीं पे आप आंसर दे दो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बुक की बैक जैसा आंसर देना है तो वहां पे स्टूडेंट इस तरह से उसने लिखा हुआ है, ठीक है, ए फोर को पहले लिखा हुआ है, यहाँ भी तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। नाउ टेंथ का लास्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट, वो भी बहुत इजी है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमने किस तरह से अरेंज करना है, ये जो वन है इसको हम लिख सकते हैं टू माइनस वन, वन नहीं होता है, टू में से वन सब्ट्रैक्ट करो तो, है ना, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना ये, तो इधर वन को तो लिख ही सकते हैं, चाहे पावर टू लिखो चाहे थ्री लिखो, वन ही रहेगा वो तो, लेकिन हमने टू यूज करनी है पावर, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के प्लेस पे ये और बी के प्लेस पे वन, ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस करो साथ साथ लिख के देखो फिर इजी लगेगा। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है, तो ऐसी और स्टडी वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू।